फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नैना और मेरे चैनल का नाम है लखनवी कपूर। आज मैं फिर आपके लिए एक मेकअप का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, बट आज उसमें अलग बात कुछ ये है कि आज मैं खुद का मेकअप ना कर करके एक लड़की का मेकअप करूँगी। जबकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमेशा अपना मेकअप करते हो, एक दिन में दूसरे का मेकअप करके दिखाओ। तो आज मैं यही वीडियो में मेकअप करूँगी, तो सिंपल चीज़ें रखूँगी ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें आपको अच्छी चीज़ों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी आज की मॉडल। तो मैंने इसके फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है, इसके अलावा इसके फेस पे कुछ भी नहीं है इस टाइम। तो हम चलिए मेकअप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके फेस को कंसील करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो प्लीज़ यार जितना मुझे आता है मैंने वीडियोस को देख के ही सीखा है, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर देना या गलत गलत कमेंट मत करना। तो यहाँ पे मैं कंसीलर लगा रही हूँ। इसको अच्छे से हम कंसील कर लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। अगर आपको प्रॉपर वीडियो जाननी है कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने कैसे यूज़ करी है, तो आप मेरी कई सारी मेकअप वीडियो में देख सकते हो। इसमें मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक मेकअप करके दिखा रही हूँ सिंपल सा आपको। तो कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो मुझे। तो यहाँ पर मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, और एक बात बताना चाहती हूँ, जितने अच्छे से ब्रश से नहीं होता है, जितने अच्छे से आप हाथ से उसको ब्लेंड कर सकते हो। तो देखिए आप, बीच बीच में मैं अपने हैंड को भी यूज़ कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। हाथ से मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें तो ब्रशेस भी अभी नहीं अच्छे से यूज़ करना आता, या आप अच्छे से अभी पफ भी नहीं चला सकते। तो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि जिनको पफ चलाना या ब्रशेस चलाना आता है वही मेकअप कर सकते हैं, आप हैंड को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। हम पाउडर को ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि जितना भी हमने मेकअप थोपा होता है, कंसीलर होता है, फाउंडेशन होता है, तो उसको हम अच्छे से सेट कर देते हैं इस पाउडर को लगा के। तो यहाँ पर हम अच्छे से पाउडर लगा रहे हैं और मेकअप को सेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ। तो गाइस, मैं पहले ही बता दूँ कि इन्होंने कभी भी अपनी आईब्रोज़ बनवाई नहीं है, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, और मुझे बनाना सही नहीं लगा तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही फिल कर देती हूँ। तो थोड़ा आईब्रोज़ को यार नज़रअंदाज कर देना, बहुत हैवी आईब्रोज़ थी इसकी, बट मैंने फिर भी कोशिश की है कि ठीक लगे। आई थिंक शायद ये पहली बार मेकअप करा रही थी तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सीरियस होके बैठी हुई थी। तो अब मैं यहाँ पे टेप लगा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि टेप लगा के ही आई मेकअप करूँ। उससे ना शेप बहुत अच्छा आता है लाइनर का भी, और आपकी शेडोज़ का भी बहुत अच्छा मतलब शेड आता है। तो आप प्रेफर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कभी कि इस तरीके से टेप लगा के आप आई मेकअप कीजिए। तो यहाँ पे मैं लाइट ब्राउन कलर का बेस ले रही हूँ। दोनों आईज़ पे पहले मैं लाइट ब्राउन कलर का एक बेस तैयार कर रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन लेके आईज कटिंग स्टार्ट करूँगी। ये देखिए, ये डार्क मैंने जो लगाया है उससे थोड़ा डार्क लिया है, इससे मैं आई कटिंग स्टार्ट करूँगी। अगर आप लोग प्रॉपर चाहते हो कि कैसे होता है आई मेकअप या मैं कैसे करती हूँ आई मेकअप, तो मैं सिर्फ एक दिन वीडियो बना दूँगी आईज़ की मेकअप की। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूँगी एक अलग से सिर्फ आई मेकअप की। तो यहाँ पर मैं उससे थोड़ा सा डार्क लेके यहाँ पर कटिंग दे रही हूँ। अब मैं इससे थोड़ा सा डार्क शेड लूँगी और
जो पार्ट बचा हुआ है उसको भी अच्छी तरीके से हम फिल कर देंगे। देखिए आई मेकअप में जो कमाल होता है वो होता है सबसे ज़्यादा ब्लेंडिंग का। अगर आप अच्छे से ब्लेंड करोगे चीज़ों को तो आपका आई मेकअप बहुत ही अच्छा निखर के आएगा। तो ब्रश की तो यहाँ पे ब्रश की मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वैसे हाथ से भी हो जाता है, अगर आप हाथ वाला वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं देखिए हल्का सा ब्लैक कलर लेके, लाइट एकदम ब्लैक कलर लेके, स्मोकी आई तो नहीं क्योंकि मैं स्मोकी आई में बहुत ज़्यादा डार्क होता है, मैं यहाँ पर लाइट ब्लैक कलर कर रही हूँ ताकि उसकी कटिंग पता चले आँखों की। और लाइनर बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी आईज पे। देखिए बहुत लाइट ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा, बहुत लाइट ब्लैक कलर करके मैं हल्का सा स्मूथ कर रही हूँ उसको। और जो इसने सूट पहन रखा था मैरून कलर पे गोल्डन वर्क था, तो मैं जो फोकस कर रही हूँ बीच में गोल्डन कलर का फोकस कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले कंसील करूँगी आँखों को बीच में, उसके ऊपर इसने गोल्डन कलर को, गोल्डन स्पार्की वाला जो हमारे पास है आई शेडो वो मैं लगाऊँगी। यहाँ पे पहले मैं कंसीलर लगा रही हूँ। अगर आपको कंसील के बाद आप देखते हो कि चीज़ें लग नहीं रही हैं गोल्डन, तो आप हल्का सा उसमें लोशन भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कंसील करके उसको देखिए गोल्डन कलर का टच दिया है। कैमरा ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे मैं एक्सेस जितनी भी चीज़ें माई मेकअप करने के बाद गिर जाती हैं वो मैं साफ़ कर रही हूँ। अब मैं इस टेप को रिमूव कर दूंगी ताकि हमारी आई मेकअप क्योंकि कंप्लीट है। बहुत ज़्यादा फास्ट करके इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि गाइस यार यहाँ पे वो जो मैंने डार्क कलर किया था ना बीच वाला, उसको मैं थोड़ा सा और सेट कर रही हूँ ताकि अच्छे से स्मोकी है, मतलब अच्छे से मतलब शो हो। तो यहाँ पहले मैं लाइनर लगा दूँगी, उसके बाद टेप को रिमूव कर देंगे हम क्योंकि टेप का काम ख़त्म हो जाएगा। इससे ना हमें ये सोचना नहीं पड़ता है कि मैं कितना लाइन खींचना है क्या है, आप दोनों पे हिसाब लगाओ और एक साथ लाइन खींचा दे क्योंकि टेप तो ऑलरेडी लगा हुआ है इस पर। यहाँ देखिए मैंने टेप को रिमूव कर दिया और आईज देखिए आप कितनी अच्छी कटिंग आई है आईज की, है ना। अब मैं जहाँ पे टेप लगाया था वो थोड़ा सा वाइट वाइट पोर्शन हो जाता है उसको थोड़ा साफ़ कर रही हूँ, और इस पर मैं थोड़ा सा लूज पाउडर को और अच्छे से लगाऊँगी ताकि हमारा डिफरेंस ना पता चले टेप का। ये देखिए मैं उसको थोड़ा सा दिखा रही थी, वो बेचारी थोड़ी सी बैठी हुई थी बहुत देर से, मैंने कहा था तो उसको दिखा तो दूँ कि उसको मैं क्या कर रही हूँ उसके फेस पे। तो कह रही थी अरे भाभी हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और जो नीचे की थोड़ा सा चीज़ें हो जाती हैं ना ब्लैक ब्लैक शेडो वगैरह यूज़ करो तो उसको मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि चीज़ें अगर आप क्लीन रखोगे ना तो बहुत अच्छा माइकल। यहाँ पे मैं रूज़ उसके लगा रही हूँ, बहुत हल्का लाइट कलर लगा रही हूँ क्योंकि मैंने उसके नॉर्मली मेकअप किया था, उसको कहीं जाना भी नहीं था तो मैंने बहुत लाइट मेकअप किया है उसका। यहाँ पे मैं रूज़ लगा रही हूँ। बहुत लाइट मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा नहीं बंदर की तरह उसको नहीं लगाना है, एकदम लाइट लगाना है। यहाँ पे मैं ब्राउन कलर पिक कर रही हूँ थोड़ा सा डार्क, और यहाँ पे देखिए इस तरीके का पाउट बनवा के ना अगर आप इस चीज़ को कॉन्टोर करो ना बहुत अच्छा निखर के आता है। इसका फेस तो हल्का सा चौड़ा था ना, तो इससे चीज़ से आप नोटिस कीजिएगा। अभी मैं दूसरे पे करूँगी, ये देखिए यहाँ पे जब मैं कर रही हूँ तो इसका फेस एकदम पतला लगने लगेगा, हल्का सा पतला लगने लगेगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर होता है, ये देखिएगा अभी, ये देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि फेस की कटिंग कहते हैं इसको। यहाँ पे नोज़ की कटिंग कर रही है, थोड़ा सी नोज़ की चौड़ी चौड़ी लग रही थी ना, माथा इसका बहुत ही ज़्यादा चौड़ा था, तो वो चीज़ें कटिंग कर दो ना तो कम चीज़ें लगने लगती। नाक देखिए एकदम उभर के आ गई है कॉन्टोर करने के बाद। अब यहाँ पे मैं पहले डार्क कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ रेड, उसके बाद मैं जो उसके सूट का कलर है
मेहरून उसको हल्का सा टच दूंगी ताकि इसके सूट पे ही कलर मैच हो जाए। तो गाइज मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ये सब यूट्यूब से ही सीखा है, तो मुझे जितना आता है मैं उतना ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो गाइज यार पता है बहुत मेहनत लगती है यार वीडियोस बनाने में, आज पूरा दिन मेरा इन सब चीज़ों में निकल गया। अब एडिटिंग कर रही हूँ मैं शाम के टाइम, आई थिंक ये कल सुबह तक आपके पास ये वीडियो जाएगी। तो गाइज यार थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो यार। तो यहाँ पे मैं इसके हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, नाइस बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि दिन का समय है, तो बहुत ज़्यादा नहीं हमें उसको हाईलाइट करना है, कुछ जगहों पे हाईलाइट करेंगे ताकि अच्छा ब्राइट मेकअप शो हो। तो देखिए डार्क पे देखिए कितना सुंदर आया उसका, एकदम लाइट मतलब चमक रहा है एकदम बहुत बढ़िया, और लिप्स के ऊपर जब लगाओ ना तो बहुत अच्छा निखर के आता है। तो यहाँ पे बिंदी लगा के हमने अपने इसके मेकअप को कर दिया है डन। अब मैं इसके बाल को थोड़ा सा चूड़ा बना देती हूँ, वो मैं आपको नहीं दिखाऊँगी। तो ये है हमारा फाइनल लुक, आई होप आपको मेकअप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो कैसा लगा। तो अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हो तो कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।